24 जून को लगातार 18वें दिन तेल के दाम बढ़ गए। अब जनता काफी परेशान है। सरकार ने इसी दिन कहा कि अब टेंशन ना लो, अब दाम इस तरह नहीं बढ़ेंगे। फिर आया अगला दिन, आज यानी कि 25 जून, दाम फिर बढ़ गए। इस दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 16 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 14 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए। अब दिल्ली में पेट्रोल जो है वो है 79.92 रुपये प्रति लीटर और डीजल है 80.02 रुपये प्रति लीटर। इस प्राइस पे ये बिक रहे हैं। अब डीजल की कीमतों में लगातार 19वें दिन बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 24 जून को पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई। बुधवार 24 जून को डीजल की कीमत में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद डीजल की कीमत बढ़कर 79.88 रुपये प्रति लीटर हो गई। वहीं पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे का इजाफा हुआ था, जिससे राजधानी में पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपये प्रति लीटर हो गई। अब विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा कि दिल्ली में डीजल की कीमत इतनी बढ़ रही है क्योंकि राज्य ने वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा दिया है, यानी कि वैट बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस ने अपने राज्य इकाइयों से 29 जून को देश भर में धरना देने को कहा है। अब कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर गाइडलाइंस का पालन करते हुए आंदोलन किया जाएगा। 25 जून को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। वामपंथी दलों ने भी तेल के दामों पर सरकार की आलोचना की है। अब सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने बुधवार यानी कि 24 जून को कहा था कि अब घरेलू बाजार में तेल कीमतों में इस तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत नहीं बढ़ती है, तब तक पेट्रोल और डीजल और महंगे नहीं होंगे। बिजनेस टुडे से बातचीत में तेल और गैस मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब लगभग सभी चीजों को इसमें शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वे कीमतों में किसी भी तरह की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं करते हैं जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो है ना बढ़े। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल के बीच में $20 के स्तर तक चली गई थी, लेकिन अब $40 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई हैं। कीमतें दुगनी से ज्यादा हो गई हैं। अब इस महीने अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में नई बढ़ोतरी उसी का नतीजा है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।